दोस्तों आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात बताऊंगा, वो है कि राइस खाया जाए या रोटी खाया जाए, चावल और रोटी में कौन सा ज़्यादा हेल्दी है। तो बहुत क्लोज फाइट है, मैं दोनों की बात बताऊंगा। दोनों हमारी स्टेपल फूड है, इंडिया के या पूरे वर्ल्ड भर में कहीं पे भी जाएंगे इन दोनों में हर वक्त मारपीट रहता है कि कौन सा ज़्यादा हेल्दी है। राइस और रोटी का जो मेन डिफरेंस है, देखिए कैलोरी वाइज तो दोनों करीब करीब ठीक ही है, सेम ही है। दोनों में कार्बोहाइड्रेट मेन होता है और ग्लूकोज रिलीज करने में राइस सबसे फास्ट होता है। अगर रोटी में देखा जाए थोड़ा फाइबर वगैरह होता है तो ग्लूकोज ब्लड में एक साथ नहीं जाती है। तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए क्लियर चॉइस है कि चपाती इज बेटर। कैलोरी वाइज देखें, न्यूट्रिएंट वाइज देखें तो क्या क्या होगा, राइस में न्यूट्रिएंट्स है और अगर स्पेशली राइस अगर ब्राउन राइस है उसमें अगर बाहर की पोर्शन हटाते नहीं है, एकदम उसको पॉलिश नहीं करते हैं, तो राइस में काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। 80 कैलोरीज होता है एक छोटा सा बाउल में और इसमें 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी होती है। चपाती में न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज़्यादा रहता है राइस से, एक 6 इंच का चपाती जो है उसमें करीब 71 कैलोरीज होता है और इसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है जो राइस में नहीं है। रोटी में एक अच्छी चीज़ है, इसमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ये सब ज़्यादा होता है। ये भी देखा जाए कि दोनों में आयरन, दोनों में है आयरन सेम सा है। फाइबर थोड़ा सा रोटी में ज़्यादा है और रोटी में ये मिनरल्स थोड़ा ज़्यादा है। अगर राइस को इम्प्रूव करना हो तो क्या किया जा सकता है, एक तरफ से देखा जाए तो राइस इतनी अच्छी नहीं है जितना चपाती है, पर अगर राइस को इम्प्रूव करना है तो उसमें दाल डाल दीजिए। तो दाल चावल का अगर कम्बिनेशन करते हैं तो वो सडनली रोटी से भी ऊपर चला जाता है। तो अगर आप चावल के संग दाल लेते हैं उसमें उसकी प्रोटीन आ जाती है और दाल के जो और भी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, फाइबर भी आ जाता है, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। पर रोटी को भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर रोटी के संग आप बहुत सारा मिलेट्स ऐड कर देते हैं, रोटी के संग जवार, रागी या इस तरह के और भी कोई चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो रोटी का भी क्वालिटी बढ़ सकता है। और रोटी के संग बहुत सारा सब्जी डाल लो, सब्जी तो राइस और दाल में भी डाल सकते हैं और सब्जी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखा जाए तो दोनों इवनली प्लेस्ड है, पर अगर आप डायबिटिक हो तो आप रोटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करिए। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आप दोनों में चूज़ कर सकते हैं कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। तो एक आदमी बोलता है सर राइस रोटी में मेन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है इनमें हाई कैलोरीज हैं। वैसे देखिए जो दुबला पतला है उनको तो कैलोरीज चाहिए, तो राइस वीट में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी मर्जी खाओ। पर ज़्यादातर लोग आजकल ओवरवेट हो गए हैं, तो ओवरवेट जो लोग हैं उनको मैं एक ही बोलूँगा कि राइस रोटी की मात्रा को कम करो। बिकॉज एक पोर्शन जो हम लोग एक टाइम में राइस खा लेते हैं या तीन चार चपाती खा लेते हैं, 400 कैलोरी पहुंच जाती है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कैलोरी कट करना है तो राइस में आधा राइस हटाइए, उसमें बहुत सारा वेजिटेबल डालिए और चपाती को भी 2 की जगह 1 कीजिए या 4 की जगह 2 कीजिए और उसमें बहुत सारा वेजिटेबल खाइए। वेजिटेबल्स में अगर बिना तेल की बनी हुई उसमें कैलोरीज नहीं होती है। तो ये दोनों इवनली प्लेस्ड है, दोनों को इम्प्रूव किया जा सकता है। राइस के संग दाल और वेजिटेबल ऐड कीजिए और रोटी के संग जवार, बाजरी ये सब ऐड कर लेंगे तो उसका भी क्वालिटी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बोला आपको बताऊं कि दोनों को ही ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं 2 रोटी खाते हैं और राइस चावल भी खा लेते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर देख लें राइस चावल दोनों वजन बढ़ाने का काम करता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इन दोनों से थोड़ा दूर रहिए और उसके जगह ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए। दोस्तों आज यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है, आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी। इंडिया भर में करीब करीब 110 क्लिनिक हम लोग चलाते हैं और करीब 5 लाख से ज़्यादा पेशेंट को हमने ट्रीट किया है। हमारी किताबें अवेलेबल हैं, हमारे को वीडियो कंसल्टेशन में आप मिल सकते हैं। तो आप ज़रूर हमारे कोई ना कोई क्लिनिक में जाइए, हमारी किताबें पढ़िए, हमारे वीडियो सुनिए और लोगों को हार्ट के बारे में समझाइए। हार्ट की बीमारी आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीमारी है, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।